हेलो फ्रेंड दोस्तों, प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो चुकी है दिन की शुरुआत। चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बज रहा है 5:15। उठ चुका हूँ मैं। ये सुबह का यहाँ का व्यू, अभी आया बस टेरेस पे, भोलेनाथ के पट खोले। बस सूर्य उदय ही हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। 4:30 बजे उठ गया था, 20 शिफ्ट है तो आराम से काम होगा। अभी पेड़ पौधों पे थोड़ा करना है, टेरेस की भी थोड़ी सफाई करनी है। अभी बस आया हूँ टेरेस पे, जैसा कि आपने देखा कि चिड़ियों को दाने दे चुका हूँ। आ भी रहे हैं लेकिन वो देख के उड़ गए। चलिए आएंगे, वो दाना चुग लेंगे। बस भर रही है बाल्टी, दूंगा पेड़ों में पानी, उसके बाद टेरेस थोड़ी सफाई करूँगा। एक्चुअली उस दिन वो जो लेके आया था चिड़ियों के लिए, वो थोड़ा सा फूटा निकल गया, तो दूसरा एक और लेके आया हूँ, लेकिन इसमें भी एक एडिशिव लगाया है, हो सकता है इससे जॉइंट हो जाए। ये पेड़ जरूर सूख रहा है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाए, यदि आपके पास कुछ जानकारी हो इसको कैसे थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। दे चुका हूँ पेड़ों में पानी, बस अब चलते हैं नीचे। नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। हो सकता है सोनम उठ गई होंगी, मेरा मन का स्कूल है, उठ गई होंगी। तो वे टेरेस पे आने के बाद काफ़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ा समय यहाँ निकालना अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है। पेड़ पौधे यहाँ पर टाउनशिप में हमारे यहाँ काफ़ी सारे लगे हुए हैं, इसे देखने में अच्छा लगता है। ये देखिए पानी को देख के पक्षी भी आने लगे हैं, पानी पी रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जो है हम लोगों की नॉर्मल घर की जो पूजा है वो हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। और आप सभी को सबसे पहले तो अच्छा, हाँ, हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पे हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सब अच्छा हो सबके जीवन में। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो हनुमान जयंती की। आज है क्योंकि हनुमान जयंती। और बस हम लोग, मेरा तो डेली का है ही मंदिर जाने का, पूजा करने, घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाती ही हूँ। तो लेकिन आज हनुमान जयंती है तो आज ये भी मेरे साथ मंदिर जा रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर में भी हम भोग लगाएंगे और प्रणाम वैसे तो डेली हम करते हैं, मतलब आज थोड़ा सा हनुमान जयंती तो थोड़ा स्पेशल मतलब करेंगे अच्छे से ऊपर। तो बस यही है, जाने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं, ये रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूरी तैयारी हो गई है मंदिर जाने की हमारी। तो चलिए मिलते हैं आपसे मंदिर में। आज का ब्लॉग इन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि ये 20 शिफ्ट में है, जल्दी उठ के इन्होंने अपना सारा जो ये रूटीन है इनका मॉर्निंग का, पेड़ों में पानी देना, चिड़ियों को दाना डालना, ये सब कर रहे थे। तो इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की दी थी
बाद में मैंने किया है। तो चलिए और अब जो भी होता जा रहा है वो हम आपको बता दें। फ्रेंड्स, अभिनिका का ना एडमिशन आज नहीं होना है, उनकी जो डेट दी हुई है 24-25 कल परसों में होगी, तो हम तब जाएंगे। वैसे 25 की डेट दी है जहाँ तक, तो हम लोग उस दिन जाएंगे उनके एडमिशन के। और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, सब हमने एक साथ कर लिया, उनको फ़ोटो खिंचवा लिया है, ब्लड टेस्ट तो आपको बताया ही वो हो गया है, तो बस ये सब चलता जा रहा है। मतलब उनकी भी तैयारियाँ, भैया जी स्कूल गए हैं, पहले था टाइम चेंज कर दिया था पर फिर से वही नॉर्मल टाइम पे ही वो गया हुआ है। तो बाकी अभी अवनीनी का मम्मी सोए हुए हैं, तो हम लोग क्या आते हैं मंदिर चलिए। और ये हमारे घर का मंदिर तो आपने देखा ही है, काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी लोग बोले भी हैं कि बहुत अच्छा है आपका मंदिर। तो ये तो हमारे पापा जी ने, मतलब मेरे ससुर जी का हाथ से बनाया हुआ मंदिर है, काफ़ी पुराना, उन्होंने बैठ के खुद से ये सब बनाया है मंदिर, तो काफ़ी अच्छा सबको लगता है। और बस चलिए होके आते हैं हम मंदिर। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मंदिर, होके आते हैं हम लोग। आते हैं कि आज हनुमान जयंती, तो इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर पहले हो रहे हैं, उनको भोग, उनको तिलक लगा के आरती दिखाएंगे, तो बस इसी काम में हम लगे हुए हैं। आज शाम को कैंपस में भी पूजा है हनुमान जी की होगी, तो वहाँ पे भी हम आपको ज़रूर लेके चलेंगे अपने साथ में, जैसी पूजा होगी जो प्रसाद मिलेगा तो वो सब हम आपको ज़रूर दिखाएँगे ही। तो चलिए अभी करते हैं पूजा भगवान की। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मंदिर से और अब मैं लग रही हूँ लंच की तैयारी में। आप देख सकते हैं 10 o'clock हो गया, लंच की तैयारी में लगते हैं और ये जा रहे हैं अपने ऑफिस के काम से कुछ। तो चलिए फटाफट से लंच की तैयारी करते हैं, फिर भैया जी के भी लंच की तैयारी। तो बस यानी किचन में अब जो जाएंगे तो 1.5 घंटे को फुर्सत, और ये जा रहे हैं ऑफिस काम से। अभी बाकी सो ही रहे हैं बच्चे, मम्मी जी, तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। किचन में आते ही साथ सबसे पहले मैंने जो है कुकर लगा दिया, दाल राइस उसमें लगा दिया है, और उसके बाद फिर आटा सानने के लिए तैयार हो गई हूँ, आटा सान रही हूँ। आज मैं भैया जी को, मैंने आलू तो बॉईल कर लिए हैं पर आज इन्होंने कहा है कि आज कटलेट या सैंडविच नहीं, आज पूरी सब्जी रखना, क्योंकि जिससे कि वो कुछ खाए भी, क्योंकि घर आके तो वो नमकीन खाता है आप सभी जानते ही हैं। तो बस आज मैं उसको पूरी सब्जी भी रखने वाली हूँ, वही जीरा आलू जैसे वो जो पहले ले जाता था वही। तो चलिए फटाफट से आटा सानते हैं, दाल मतलब कुकर तो लगा ही दिया है, रोटी सेंक लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना, चढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो मैं ना रोटी सेंक के रख लेती हूँ, पतली पतली रोटी बनाओ तो अच्छे से खप जाती है, तो बस पहले वही सेंक लेंगे और उसके बाद फिर हम बैठ के सब्जी काट के उसको बघारेंगे और फिर भैया जी की लंच की तैयारी करेंगे। तो देखते हैं जो और हम करते जा रहे हैं। तो ये देखिए फटाफट जल्दी जल्दी वाला काम है, जब से यानी बस एक बार जब किचन में घुसो तो पूरा काम करके ही निकलना है, लंच और टिफ़िन भैया जी का, तो मैं लगी हुई हूँ आप देख सकते हो। रोटी मैंने सेक ली है, कुकर भी हो चुका है, ठंडा हो रहा है, जब तक थोड़ा हम सब्जी काट लेते हैं, आज लौकी की सब्जी बनाने वाली हो तो ये कट करते हैं। अवनी भी उठ गई हैं, ये देखिए ब्रश करके आ गई हैं, और गुड मॉर्निंग कर दो फ्रेंड्स को, गुड मॉर्निंग। और वहाँ इसने ब्रश कर लिया, तो ये देखिए वहाँ उसका ब्रेकफास्ट मैंने रख दिया है टेबल पे, तो चलो जाओ आप ब्रेकफास्ट करो। ओके जाओ, मैं जब तक सब्जी काट लूँ। हाँ ओके ओके, अरे बाप रे कितना प्यार।
सब्जी वगैरह मैंने काट ली है, पर अभी जो है सब्जी को मैं बघारूंगी भैया जी का टिफ़िन रेडी करने के बाद। तो आज जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि मैं उसको पूड़ी और सब्जी रख रही हूँ, तो बस फटाफट से पहले पूड़ी सेक लेते हैं और फिर उसके बाद सब्जी बनाऊंगी, वही जीरा आलू, और उसके बाद जब कढ़ाई खाली हो जाएगी तो मैं उसमें अपनी लौकी की सब्जी को बघार दूँगी। तो सिंपल लौकी की सब्जी मैं सिंपल बनाने वाली हूँ, सिर्फ जीरा राई और टमाटर डाल के, उसमें कोई प्याज अदरक लहसुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करूँगी, बस सिंपली बनेगी। क्योंकि हल्की जो लौकी होती है ना, आप उसको हल्के में बनाओ देखो, सिर्फ जीरा राई डाल के और अच्छे रेड वाले टमाटर डाल के, तो बहुत टेस्टी भी लगती है, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलिए भैया जी का लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। और फिर ये जो है ना यार, सुबह मैंने जैसे आपको बताया कि 4:30 बजे से उठे हुए हैं, तो इनको नींद भरने लगी है, तो ये इनको नींद आने लगी है क्योंकि काफ़ी सुबह से उठ गए थे, तो इसीलिए ये सोने लगे हैं। तो देखती हूँ अगर होगा तो मैं ही टिफ़िन देने भी चली जाऊँगी, और अगर उठे रहेंगे ये तो फिर ये जाएंगे। तो चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं भैया जी का लंच। टिफ़िन रेडी कर लिया है, अनिका को भी पूड़ी खाना था, चाय पूड़ी आज, तो उसको भी ब्रेकफास्ट देनी है। और चलिए हम चलते हैं भैया जी को टिफ़िन देने, क्योंकि उसका टाइम होने लगा है 11 o'clock। और ये जो है ना, ये मतलब जाके लेट गए हैं क्योंकि से काफ़ी सुबह में उठे हुए थे, आज ये 4:30 पे उठ गए थे, तो ये चले गए हैं रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा अंदर। चलिए हम जब तक चलते हैं भैया जी को टिफ़िन देकर आते हैं। देखे आई हूँ, तो बस आज के मैं किचन में सब्जी बघाने के लिए हुई हूँ, तो इतने में मम्मी जी उठ गए हैं। तो चलिए अब बना देते हैं फटाफट से हम मम्मी जी के लिए चाय, क्योंकि उठ गए हैं वो, तो उनको चाय बिस्किट वो खाएंगे ही, बीपी का मेडिसिन है उनका, तो बस इनके लिए चाय बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जब तक साइड में तेल भी गर्म होने रख दिया है, तो मैं उसके बाद सब्जी भी अपनी साथ साथ में ही बघा लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने दाल तो बघा ली थी, दाल के बाद वो कढ़ाई खाली करके और फिर उसके बाद हम उसमें सब्जी को बघा लेंगे। तो बस ये देखिए सब, जब तक मैंने चाय पहले रख दिया है वो खोलेगी, वो खोलती जा रही है जब तक मैं जो हूँ सब्जी को मैंने बघार भी दिया है, ये देखिए इस तरह से। और मम्मी की चाय बन चुकी है, तो उसको छान के मम्मी जी को देकर आते हैं, जिससे कि वो अपनी चाय पी लें और फ्रेश हो जाएं, फिर वो अपना पूजा पाठ में लगेंगी। इस तरह से अवनिनिका भी उठ ही चुकी है, मम्मी फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं अवनिनिका को फ्रेश कराऊँगी और फिर हम लोग करेंगे अपना लंच। फ्रेंड्स ये देखिए टाइम होने लगा है 11:30, और मेरा जो है पूरा लंच प्रिपेयर हो गया है, भैया जी को भी टिफ़िन दे आई हूँ। मतलब 10 बजे से आपको बताएं, 10 बजे से मैं किचन में गई थी और 11:30 पे मैंने पूरा जो है लंच रेडी कर लिया है। तो बस अब थोड़ी देर बैठूँगी, वीडियोस वगैरह एडिट करूँगी और फिर देखती हूँ और क्या करना। अपनी निकाह उठी हुई हैं तो अब इनको भी नहलाना वगैरह रहेगा, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जाऊँगी करूँगी और काम। फ्रेंड्स लोग का लंच वगैरह हो चुका है, और बस यहाँ पे ना जैसे ही भैया जी आए, वो नहाने के लिए वॉशरूम में गया, तो उसने देखा वहाँ पर छिपकली है, तो ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं लेकिन छिपकली भगाने लगे हुए हैं, तो वो तो भग भी नहीं रही है, तो उसको बोल रहे हैं जाओ टेरेस पे ही नहा लो। वो चिड़चिड़ करने लगा है कि मैं आया हूँ, मुझे नहाना है, निकाला नहीं, तो ये निकाल रहे हैं, पर टाइम हो रहा है इनके ऑफिस का भी, तो अभी नहीं बाद में आके निकालेंगे। तो भैया जी जाएंगे और ऊपर टेरेस में नहा लेंगे। फ्रेंड्स टाइम होने लगा है, देखिए 2:45 बजने लगा है और ये रेडी हो गए ऑफिस के लिए, शिफ्ट है, तो बस ऑफिस निकलते हुए भैया जी आ चुके हैं और ऊपर चले गए हैं वो नहाने, देखिए इतनी धूप में मना करने के बाद भी, क्योंकि जो है बाथरूम में जैसे आपको बताया है कि छिपकली नीचे फ्लोर में हो रही थी, तो इसीलिए वो ऊपर गया है। और बस चलिए इनको छोड़ते हैं और ये व्लॉग भी यहाँ पर ही एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनिनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए। तो बस ये जाते हुए ऑफिस के लिए,
ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए, और अंदर है ना अब नैनी का की हो रही है लड़ाई, तो चलिए हम अंदर चलेंगे और वो दिखाएंगे आपको आज। तो ये जाते हुए कर लेते हैं, गर्म हवा आती है, इसको भी मैं बंद कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से भी गर्म आते हैं। और यहाँ चलिए हम दिखाते हैं आपको कि क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं अवनी और अनिका की। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लड़ाई हो रही है। मोबाइल ली है दोनों, लेकिन फिर भी लड़ाई। ठीक है, सो लो अब थोड़ी देर फिर। हाँ अनिका, तुम नहीं दे रही हो मोबाइल है? ये दोनों की ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, देख लो फ्रेंड्स।